डॉक्टर शशिकांत सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सर, एक कार्डियो पेशेंट को अपनी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कितने समय के अंतराल में रेगुलर चेकअप शेड्यूल करते रहना चाहिए? अंजलि मैडम, थैंक यू। और अभिषेक सर ने जैसे कि बताया कि हार्ट की बीमारी, जिस मरीज को शुगर की तकलीफ है, डायबिटीज है, उसके अंदर हार्ट अटैक आता है तो अभी मरीज को मालूम ही नहीं पड़ता कि उनको हार्ट की नाली में ब्लॉक आ रहा है। रीज़न ये है कि शुगर की वजह से उनको जो करंट की नस है, जो पेन लेके आपके ब्रेन को अलर्ट करती है, वो नस भी ख़राब हो जाती है, जिसको मेडिकल की भाषा में डायबिटिक न्यूरोपसी बोलते हैं। तो ऐसे मरीज को साइलेंट हार्ट अटैक, आपने देखा होगा कई बार कि अच्छा अंकल जी हैं, सोए हुए हैं, सुबह में अच्छा बेटे या बहू चाय लेके गई, अंकल जी को उठाया, अंकल जी उठ ही नहीं रहे हैं, तो ही इज़ फाउंड डेड इन द बेड। सो दिस काइंड ऑफ साइलेंट हार्ट अटैक, जिसको अच्छा कोई भी अलर्ट के बिना हार्ट अटैक आने की समस्या शुगर वाले मरीज में ज़्यादा होती है। तो आप समझ लो कि कोई भी मरीज है, 55 ईयर्स का वर्किंग क्लास का पेशेंट है, उसको इफ इज फाउंड डेड इन द अर्ली मॉर्निंग, देन व्हाट विल हैपन टू द फैमिली, फैमिली के ऊपर क्या गुजरती है। तो आप समझ सकते हो, दिस इज़ द पीक ऑफ द कैरियर, और इफ इज़ द ओनली अर्निंग मेम्बर ऑफ द फैमिली, तो फिर उनका सोशो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट विल बी ट्रेमेंडस, नॉट ओनली ऑन द फैमिली बट ऑल्सो ऑन द सोसाइटी एज अ होल। तो यस, जैसे कि आपने क्वेश्चन बहुत राइटली रेज किया है कि रेगुलर हार्ट चेकअप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एज ग्रुप, पर्टिकुलरली जिसका रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। जैसे कि डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि जो लोग स्मोकिंग या तंबाकू कंज्यूम कर रहे हैं, जिसको ब्लड प्रेशर की समस्या है, जिसको शुगर है, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिस मरीज को ओबेसिटी है, या जो लाइक एवरीबडी हु इज़ एक्सपोज टू द स्ट्रेस, कि जो लोग आजकल काम कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम द होम, रात को काम करना है, सिडेंटरी लाइफ स्टाइल है, और जिसको प्रीवियस हार्ट अटैक आ गया है, ये सभी मरीजों को रेगुलर हार्ट चेकअप इज़ मैंडेटरी। एंड मोटा मोटा लेमिन की भाषा में बताऊँ कि 6 मंथ है, एवरी 6 मंथ रेगुलर विजिट टू द कार्डियोलॉजिस्ट इज ऑन द कार्ड। एंड जैसे कि WHO ने रिकमेंड किया है, द पर्सन विथ अ रिस्क फैक्टर एज मोर देन 50 शुड हैव अ 6 मंथली स्क्रीनिंग, एंड द पर्सन विथ अ रिस्क फैक्टर, जैसे कि डॉक्टर अभिषेक ने बताया, शुगर है, डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल कर रहे हैं, ओबिसिटी है, ये सब मरीजों को एट अर्ली एज दे शुड बी अटैच टू द हेल्थ स्क्रीनिंग। सो द स्क्रीनिंग प्रिवेंशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हार्ट डिजीज।